देश के 71वें गणतंत्र दिवस पर संस्कार भारती आगरा पश्चिम ने जैसी मैदान से राष्ट्रीय वीरों और अमर शहीद सैनिकों की शोभायात्रा निकाली। इस शोभायात्रा में एमपीएस वर्ल्ड स्कूल का सहयोग रहा। देश के 71वें गणतंत्र दिवस पर संस्कार भारती आगरा पश्चिम ने जीआईसी मैदान से राष्ट्रीय वीरों और अमर शहीद सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में एमपीएस वर्ल्ड स्कूल का सहयोग रहा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं, ये शहीदों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने परमवीर चक्र मिला है, हमारे करीब 200 से ज़्यादा बच्चे हैं और ये बड़े उल्लास के साथ आए हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के अंदर जिस तरीके से हमें सफाई अभियान चलता है, उसी प्रकार से देशभक्ति हमें और बढ़ानी। आगरा पश्चिम के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 75 झांकियां निकाली जा रही हैं, जिससे स्वतंत्रता का जो है अच्छा संदेश जाए और लोगों में, बच्चों में जोश आए, जिससे कि जो है वह इस दिवस को याद कर सके। संस्कार भारती ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नवरंग ने बताया कि 71वें गणतंत्र दिवस पर आगरा पश्चिम शाखा ने राष्ट्रीय वीरों और अमर शहीद सैनिकों को स्मरण करने के लिए यह शोभा यात्रा निकाली है। आगरा पश्चिम समिति की तरफ से ब्रिज प्रांत के बैनर तले संस्कार भारती 71वें गणतंत्र दिवस पर 71 झांकियां निकाल रही हैं, जिसमें 21 जो परमवीर चक्र हमारा सर्वोच्च बलिदान का चक्र परमवीर चक्र होता है, उसकी 21 झांकियां हैं। इसके अलावा आगरा परिक्षेत्र के जो 62, 65, 71 कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं, उन परिवारों को सम्मानित करते हुए झांकियों में निकाला जाए। बहुत ही बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से उन शहीदों को नमन करना चाहूँगा और इन चार लाइनों से नमन है उन शहीदों को जिन्होंने सर कटाए हैं, नमन रणभाकुरों को जो देश के काम आए हैं, कहानी दे गए इतिहास को, बलिदान है जिनके कलम ने देशभक्तों के सदाई गीत गाए हैं। राष्ट्र वीरों और अमर शहीद सैनिकों की शोभा यात्रा का शहर भर से आए लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।